हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आप यहाँ पर सी टी एन टी एस सी ओलम्पियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन सो इसे अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता योर आई टी एडुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड फोर जीरो टू

स्टेप्स जानी थी आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं लाइक हाउ टू कॉपिंग मूविंग एंड डिलीटिंग कंटेंट ऑफ स्लाइड स्लाइड के अंदर आप जो कंटेंट ऐड करते हो स्लाइड का कंटेंट मतलब स्लाइड में जो प्लेस होल्डर्स में आप टेक्स्ट ऑब्जेक्ट चार्ट ग्राफ्स क्लिप आर्ट्स ऑडियो वीडियो ट्रांजिशन एनिमेशन के साथ जो भी डेटा एंटर करते हो जो मल्टीमीडिया कंटेंट होता है उसको कैसे आप कॉपी मूव और डिलीट कर सकते हो एंड हाउ टू कंट्रोल द साइज ऑफ द व्यू है ना स्लाइड में जो व्यूज होते हैं उसके साइज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो मीन्स किस तरीके से आप स्लाइड्स को ज़ूम इन जूम आउट कर सकते हो कैसे आप साइज को कंट्रोल कर सकते हो जूम करने के साथ बेसिकली इसी पर बेस्ड आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है सो so, होप आपको वीडियो का मोटिव समझ में आ गया होगा कि किन टॉपिक्स को आज हम इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं राइट सो अपार्ट फ्रॉम दिस इस बुक का क्लास नाइन थर्टी का पार्ट ए इम्प्लॉबिलिटी स्किल्स भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और साथ ही पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स के यूनिट टू थ्री जो कि मेजर यूनिट्स है दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वो भी कंप्लीट कर लिया है

आप का यूज कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100 परसेंट फ्री कितनी भी बार देख सकते हो और इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है ओके तो चलिए करते हैं श्री गणेश आज के इस वीडियो का जिसमें हम देखने वाले हैं कॉपिंग मूविंग एंड डिलीटिंग कंटेंट स्लाइड के कंटेंट को आप किस तरीके से कॉपी मूव और डिलीट कर सकते हो सो so, बिल्कुल वही तरीका होता है जैसे आपने स्लाइड को मूव किया था कॉपी किया था डिलीट किया था वैसे ही आप स्लाइड के कंटेंट को भी कॉपी मूव डिलीट कर सकते हो इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट कंटेंट जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी टेक्स्ट को आपको कॉपी मूव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद वही सेम सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिनके थ्रू आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो राइट सो यू कैन कॉपी और मूव द द द टेक्स्ट ऑन स्लाइड आइदर बिटवीन स्लाइड्स और फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन टू अनादर सो आप स्लाइड के कंटेंट को कॉपी और मूव कर सकते हो किसी एक स्लाइड में भी मतलब किसी एक प्रेजेंटेशन की फर्दर स्लाइड्स में भी या किसी अनादर प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में भी यदि कॉपी करना है टेक्स्ट को जो स्लाइड्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे कॉपी करना है कॉपी करने का मतलब क्या हुआ अब यहां पर एक्चुअल जो टेक्स्ट है वो भी रहेगा और उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती जाएंगी समझ में आई बात सो कॉपिंग टेक्स्ट टू कॉपी द टेक्स्ट फॉलो दिस स्टेप्स क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट जैसे मैंने बताया अभी कि कॉपी करने के पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जो भी ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट है जो आपने स्लाइड में प्लेस होल्डर में एड किया हुआ है से आपको सिलेक्ट करना है दैट इज टू बी कॉपीड नाउ क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन फिर आपको कॉपी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है अब यह कॉपी ऑप्शन कहां मिलेगा आपको होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में वही सेम जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप से आपको कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है ठीक है so, सो इससे क्या हो जाएगा जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था वो कॉपी हो जाएगा या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हो आप यदि होम टैब का यूज नहीं करते हो तो आप उस टेक्स्ट पे राइट right क्लिक भी कर सकते हो क्या कर सकते हो राइट क्लिक जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो एक कंटेक्सट मेन्यू ओपन होगा जिसमें आपको कट कॉपी पेस्ट जैसे ऑप्शन दिखेंगे सो so, यहाँ से भी आप कॉपी को सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी इस शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो तीनों तरीके से आप जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसे कॉपी कर सकते हो राइट तो कॉपी ऑप्शन आपको राइट right क्लिक करके भी मिलेगा और कॉपी ऑप्शन आपको होम टाइप के क्लिपबोर्ड से भी मिलेगा ठीक है सो अ कॉपी ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी प्लेस्ड इन द क्लिपबोर्ड

बिल्कुल वैसे ही होम टैप के क्लिपबोर्ड ग्रुप में अब आपको पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है पेस्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो कॉपीड टेक्स्ट था जो कॉपीड ऑब्जेक्ट था वो पर्टिकुलर उसी प्लेस पर जहां आपका कर्सर प्लेस था जहां आपने पेस्ट ऑप्शन को क्लिक किया वहां पर पेस्ट हो जाएगा सो द कर्सर की पोजीशन थी वहां पर पेस्ट हो जाएगा जैसे कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है बिल्कुल वैसे ही पेस्ट करने की भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी जैसे कॉपी आप राइट क्लिक करके कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही आप पेस्ट भी राइट क्लिक करके कर सकते हो राइट क्लिक करके आपको कंटेक्स्ट मेन्यू में कॉपी कट पेस्ट ऑप्शन मिलेंगे तो आप यहां पर पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना सो so, जो भी डिजायर टेक्स्ट आपने कॉपी किया था वो उस कर्सर की पोजीशन पर पेस्ट हो जाएगा राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल वी शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो या फिर होम टैब के क्लिपबोर्ड से पेस्ट ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं सो so, ये तो बात करी हमने टेक्स्ट को कॉपी करने की वहीं अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट को मूव करने की सो मूविंग टेक्स्ट का क्या मतलब है

स्लाइड में जो टेक्स्ट आपने लिखा है यदि उसे मूव करना है देन फॉलो है, है, आपको, करना है, आपको उसे पहले सिलेक्ट करना होगा नाउ क्लिक ऑन कट ऑप्शन आप किस ऑप्शन पे क्लिक करना है कट ऑप्शन पे कहा मिलेगा ये कट ऑप्शन क्लिपबोर्ड ग्रुप होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कट ऑप्शन भी मिल जाएगा वहां से आप कट करो मीन होम टैब के जो ग्रुप्स होते हैं टैब में फर्दर ग्रुप्स होते हैं ना सो so यहाँ पे एक ग्रुप होता है क्लिप बोर्ड सो होम टैब के इस क्लिप बोर्ड ग्रुप से आपको कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है किसे कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जैसे यहां से कट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था वो कट हो जाएगा या फिर इसके अलावा आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर राइट right क्लिक भी कर सकते हो क्या कर सकते हो राइट क्लिक जैसे ही राइट क्लिक करते हो तो फर्दर आपको इस तरीके से कंटेक्स मेन्यू ओपन होता है जिसमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं कट कॉपी पेस्ट जैसे सो so, यहाँ से भी आप कट को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस एक्स कौन सी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो कट कर सकते हो तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है होम टैप के क्लिपबोर्ड ग्रुप से आप कर सकते हो कट ठीक है राइट क्लिक करके भी कट कर सकते हो और कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की के थ्रू भी कट कर सकते हो ठीक है सो द सिलेक्टेड टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है इट विल डिसअपियर वो सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा फ्रॉम द स्लाइड एंड प्लेस्ड इन द क्लिप और क्लिप में पेस्ट हो जाएगा कट में क्या होगा वो टेक्स्ट जिस जगह से आपने कट किया है वहां से हट जाएगा डिसअपीयर हो जाएगा ठीक है अब आपको इसको करना होगा पेस्ट क्या करना होगा अब आपको इस टेक्स्ट को पेस्ट करना होगा तो टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए जिस भी स्लाइड में आपको पेस्ट करना है फर्स्ट यू हैव टू प्लेस द कर्सर ओवर हियर ठीक है जिस भी स्लाइड में आपको उस कंटेंट को जिसे आपने कट किया है उसे पेस्ट करना है तो पहले आपको कर्सर उस जगह पर प्लेस करना है वेयर यू वॉन्ट टू टेक्स टू अपीयर जहां पे आप उस मूविंग टेक्स्ट को लेकर आना चाहते हो क्लिक ऑन दी पेस्ट ऑप्शन और फिर आपको पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है क्लिपबोर्ड ग्रुप के होम टैब से क्लिपबोर्ड ग्रुप के होम टैब से आपको इस पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है या फिर आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हो दैट इज कंट्रोल प्लस वी तो कॉपी के साथ जैसे आपने पेस्ट का यूज किया था कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी वैसे कट के साथ भी आप पेस्ट का यूज कर सकते हो कंट्रोल एक्स प्लस कंट्रोल वी द टेक्स्ट विल अपियर एट दी कर्सर पोजिशन जहां पे आपने कर्सर किया है पोजिशन जिस जगह पर आपने कर्सर प्लेस किया था है ना वहीं पर आपको क्या दिखेगा वो टेक्स्ट एक्चुअल में मूव होता हुआ शो होगा सपोज ये स्लाइड्स है यहाँ पर ठीक है अब एक स्लाइड से आपने कुछ कंटेंट कॉपी किया सपोज यहाँ पे लिखा हुआ था मैग्नेट ठीक है तो आपने इसे सिलेक्ट किया और इसे कर दिया कंट्रोल एक्स मतलब इसे कर दिया कट ठीक है जैसे ही कट करोगे तो ये टेक्स्ट यहां से हट जाएगा और ज आपने इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आके कर्सर यहाँ पे प्लेस किया और यहां पे आके कर दिया कंट्रोल प्लस वी तो क्या होगा जो मैग्नेट आपने वहां लिखा था वो यहां पे अपीयर हो जाएगा इस जगह से यहां पर शो हो जाएगा सो दिस इज अबाउट मूविंग जिसमें एक्चुअल टेक्स्ट मूव करता है ठीक है ना कि इसकी कॉपी क्रिएट होती है राइट तो कंट्रोल एक्स से कॉपी कर, कर सकते हो कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो लेकिन कॉपी जब करोगे तो आपका एक्चुअल टेक्स्ट भी रहेगा और उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती चली जाएंगी मूविंग में एक्चुअल टेक्स्ट ही मूव करेगा आगे बात समझ में इसके अलावा होम टैब में भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं राइट right क्लिक करके भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सो कट कॉपी पेस्ट करने के अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं कंटेंट को कैसे कॉपी और मूव करना है वो तो हमने अब अच्छे से जान लिया अब डिस्कस करते हैं हाउ टू डिलीट द टेक्स्ट यदि स्लाइड में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसे आप डिलीट कैसे करते हो तो डिलीट करने के लिए भी यहाँ पे फर्दर ऑप्शन अवेलेबल है टू डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम अ स्लाइड फॉलो दिस स्टेप्स फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वॉन्ट टू डिलीट ऑब्वियस आपको क्या करना है सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो नाउ द बॉर्डर अपियर्स अराउंड द टेक्स्ट प्लेस होल्डर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है तो प्लेस होल्डर के आसपास बॉर्डर दिखेगी जिससे ये पता चलेगा कि वो टेक्स्ट आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है सपोज लाइक like इस तरीके से आपने स्लाइड में कुछ कंटेंट को सिलेक्ट किया है सपोज आपको इस मैग्नेट वर्ड को डिलीट करना है तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो तो इसके आसपास बॉर्डर दिखती है एक ठीक है, डिलीट की ये वर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है और इसके बाद आपको अब क्या करना है इसके बाद आपको डिलीट की को प्रेस कर देना है किसे डिलीट की को कहाँ मिलेगी ये डिलीट की कीबोर्ड में मिलेगी ठीक है जो पेज अप पेज डाउन की होती है जस्ट उसी के ऊपर आपको कुछ स्पेशल कीज दिखती हैं, ठीक है थीके? वहीं पर पेज इंसर्ट पेज अप पेज डाउन ठीक है डिलीट इंसर्ट एंड होम सारी चीज मिलती है तो वहीं आपको डिलीट की को प्रेस कर देना है जैसे डिलीट की को प्रेस करोगे तो ये जो टेक्स्ट था ये डिसअपियर हो जाएगा डिलीट हो जाएगा यहाँ से आई बात समझ में अच्छे से ठीक है इतना क्लियर हो गया कि डिलीट की का यूज करके आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो या फिर आप प्लेस होल्डर में ये जो प्लेस होल्डर था जिसमें आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था मैग्नेट यहाँ पे कर्सर को प्लेस करो और बैक स्पेस की का यूज करके किसका की का यूज करके भी आप इसे डिलीट कर सकते हो ठीक है तो डिलीट की बैक स्पेस की दोनों का यूज करके आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो एज इट इज प्लेस होल्डर को भी डिलीट कर सकते हो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो का दैट इज कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द व्यू अभी हमने कॉपिंग पेस्टिंग एंड डिलीटिंग देख लिया कि स्लाइड के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसे आप कैसे कॉपी पेस्ट और डिलीट कर सकते हो इसके प्रीवियस स्लाइड में स्लाइड को कैसे कॉपी पेस्ट करना था डिलीट करना था वो भी देखा था तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोनों वीडियो ध्यान से समझना ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है तरीका भी यूज करने का बिल्कुल सिमिलर है बट यहाँ पे जिस पर आप कॉपी पेस्ट और डिलीटिंग अप्लाई कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है एक में स्लाइड है दूसरे में स्लाइड के अंदर जो आपने कंटेंट यूज किया हुआ है प्लेस होल्डर में वो है ओके okay. अब यदि आप स्लाइड के साइज को कंट्रोल करना चाहते हो आप चाहते हो कि स्लाइड का जो साइज है वो आप अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख सकते हो जूम इन कर सकते हो आउट कर सकते हो जितना ज्यादा इन वे में या फिर कंप्रेस्ड uh, वे में आप देखना चाहते हो वैसे यदि आप देखना चाहते हो स्लाइड्स को तो उसके लिए हम डिफरेंट व्यूज को सेट कर सकते हैं जूम इन जूमआउट टूल का यूज कर सकते हैं ठीक है सो समटाइम्स

या फिर जूम स्लाइडर का यूज करते हो ठीक है अब ये जूम डायलॉग बॉक्स और जूम स्लाइडर ये दोनों एक ही चीजें हैं जूम डायलॉग बॉक्स में भी आपको वही सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो जूम स्लाइडर के अकॉर्डिंग होते हैं जूम डायलॉग बॉक्स इस तरीके से दिखता है जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो और जूम स्लाइडर कुछ इस तरीके से होता है कैसा होता है जूम स्लाइडर जूम स्लाइडर कुछ इस तरीके से होता है ठीक है देखो

राइट right साइड पे स्टेटस बार कहाँ होती है सॉफ्टवेयर के सबसे बॉटम राइट साइड में जूम स्लाइडर मिल जाएगा इसी के साथ यहाँ पे परसेंटेज भी लिखे मिलते हैं सपोज ये फिफ्टी परसेंट पे आप स्लाइड को देख रहे हो और जूम डायलॉग बॉक्स में इस तरीके से सेम परसेंटेज भी आपको दिखता है और अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप स्लाइड्स को देख भी सकते हो राइट सो क्या बताया यहाँ पर कि यदि आप स्लाइड को या स्लाइड के कंटेंट को इनलार्ज करके देखना चाहते हो तो so हम जूम डायलॉग बॉक्स या जूम स्लाइडर टूल का यूज करते हैं टू हेल्प यू जूम इन और जूम आउट द स्लाइड व्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहां पर स्लाइड्स को जूम इन और जूमआउट करके देख सकते हो सो टू कंट्रोल द साइज ऑफ व्यू और इस व्यू के साइज को यदि कंट्रोल करना है सो जूम डायलॉग बॉक्स का आप यूज करोगे अब ये जूम डायलॉग बॉक्स मिलेगा स्लाइडर तो मैंने बता दिया आपको कि स्टेटस बार के एकदम बॉटम पे मिलेगा राइट right साइड में वही जूम डायलॉग बॉक्स कहां मिलेगा सो जूम डायलॉग बॉक्स के थ्रू यदि आपको साइज को व्यू के साइज को यदि कंट्रोल करना है सो so आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा क्या स्टेप्स हैं फर्स्ट क्लिक ऑन दी व्यू मेनू ओके अब देखो होम इंसर्ट व्यू स्लाइड टैब स्लाइड शो वगैरह सारे टैब्स देखे थे अब आपको यहां पे व्यू टैब को सिलेक्ट करना है व्यू टैब में आपको जूम ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा व्यू टैब में जूम ऑप्शन व्यू टैब में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं प्रेजेंटेशन ग्रुप होता है ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो व्यू टैब में आपको एक जूम ऑप्शन मिलेगा उसको सिलेक्ट कर लोगे तब भी आपको क्या दिखेगा इस तरीके का जूम डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा जब जूम ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे या फिर आप क्लिक कर सकते हो किस पर क्लिक ऑन जूम परसेंटेज दैट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू जूम स्लाइडर ऑन स्टेटस बार या फिर आप स्टेटस बार में जो जूम स्लाइडर है उसी के पास में जूम परसेंटेज शो होता है उस पर भी क्लिक करोगे तब भी आपको ये जूम डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा आई बात समझ में क्या बताया मैंने जूम स्लाइडर जो आप ओपन करते हो ये जो जूम स्लाइडर होता है इस जूम स्लाइडर के जूम स्लाइडर के जस्ट राइट साइड में जूम स्लाइडर के जस्ट राइट साइड में यहाँ पे परसेंटेज शो होता है इस परसेंटेज पे जब आप क्लिक करोगे तब भी आपको जूम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जूम डायलॉग बॉक्स शो होगा या फिर आप व्यू टैब के किस पर व्यू टैब पर जूम ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब भी आपको जूम डायलॉग बॉक्स शो होगा ठीक है दोनों चीजें समझ में आ गई कोई डाउट नहीं यहां तक कि जूम डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन हो रहा है नाउ दूम डायलॉग बॉक्स ओपन सिलेक्ट द परसेंटेज लेवल एंड एंटर द परसेंटेज वैल्यू इन परसेंटेज बॉक्स अब आपको यहाँ पे परसेंटेज लेवल सिलेक्ट कर लेना है जिसके अकॉर्डिंग आपको जूम इन जूम आउट करना है जैसे आप यहाँ पे देखो परसेंटेज लेवल अलग अलग दिख रहा है फोर फोर हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट थर्टी थ्री परसेंट या इसके अलावा ये जो प्री डिफाइंड परसेंटेज लिखे हुए इनके अलावा कोई और परसेंटेज आपको एंटर करना है तो इस परसेंटेज टेक्स्ट बॉक्स में आप परसेंटेज भी एंटर कर सकते हो जैसे फोर्टी एट परसेंट एंटर किया हुआ है ठीक है या आप चाहते हो कि बिल्कुल स्क्रीन साइज से फिट होकर आपको स्लाइड्स वगैरह शो तो जूम का आप ये पर्टिकुलर फिट को भी सिलेक्ट करवा सकते हो नाउ क्लिक ऑन ओके सो जो भी जूम का परसेंटेज आपने सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग स्लाइड्स आपको विजिबल होंगी कहां पर स्क्रीन पर नाउ क्लिक ऑन ओके आगे बात समझ में कि जूम इन जूम आउट आप कैसे कर सकते हो परसेंटेज लेवल के अकॉर्डिंग भी और ये परसेंटेज लेवल कैसे सेट कर सकते हो आप व्यू टैब के जूम ऑप्शन के थ्रू या फिर स्टेटस बार में एकदम राइट साइड पे बॉटम पे एकदम राइट साइड पे जूम स्लाइडर होता है उसके लेफ्ट साइड पे आपको परसेंटेज दिखता है उस परसेंटेज पे भी क्लिक करोगे तब भी आपको जूम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा वहां से आप जूम के परसेंटेज सेट कर सकते हो बाय द वे आप जो जूम स्लाइडर दिखता है ना इस जूम स्लाइडर के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो परसेंटेज सेट कर सकते हो जूम इन पर को इन इन-आउट करवा सकते हो मतलब जूम लेवल को आप इनक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो ठीक है यदि आप इसको इधर साइड पे मूव करोगे तो ये परसेंटेज इन होगा यदि आप उसको इस साइड पे स्लाइडर को इधर मूव करोगे तो जूम आउट होगा तो यहां से भी आप करवा सकते हो स्लाइडर के थ्रू भी स्क्रीन पे स्लाइड को जूम इन जूम आउट करवा सकते हो राइट सो so, होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया यू कैन ऑल्सो यूज दिस जूम स्लाइडर

जो स्क्रीन का साइज है स्लाइड का जो साइज है उसे आप इनलार्ज करके सेट कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसके लिए ओके सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनिश हुआ है वीडियो जिसमें हमने स्लाइड के कंटेंट को कैसे कॉपी मूव पेस्ट करना है डिलीट करना है ये जाना जिसके लिए फर्दर थ्री ऑप्शन अवेलेबल होते हैं या तो राइट right क्लिक करके आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप होम टैब के क्लिप ग्रुप से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी का साथ ही यहां पे यदि आपको जूम करके अपनी स्लाइड्स को देखना है जूम इन या जूमआउट करना है तो उसके लिए भी आप स्टेटस बार में जूम स्लाइडर का यूज कर सकते हो या फिर आप व्यू टैब के जूम ऑप्शन का यूज करके जूम डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी परसेंटेज लेवल अपने according कर सकते हो। so, आपको करता है ना सिर्फ बल्कि आप यहां पर बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो हंड्रेड परसेंट फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन और अब तो डियर स्टूडेंट्स आप यहां पर एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई e बुक्स की फैसिलिटी भी मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स ही बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना जैसे एमसीक्यू बुकलेट हो गया सैम्पल पेपर बुकलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं सो so, कैसे एक्सेस करोगे आप यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको बुक्स ई बुक्स की क्लिक कर देना एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा उस फॉर्म को फिल कर देना टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट आप चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टा ट्विटर जैसे पेजेस को भी ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डोंट मिस द वीडियो टिल देन स्टे ये हैप्पी थैंक यू सो मच